ब्रिज को लेकर जो आज बीजेपी ने जो आंदोलन किया उसको लेकर आप क्या ब्रिज चालू करने के जो प्रयास किए गए? 10 दिनों आचार संहिता लगी से पूर्व ब्रिज के चारों कोने पर जो PWD द्वारा 70 के लिए स्थान सुरक्षित कर दिया गया था कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय प्रयासरत थे कि बड़े किसी नेताओं को लाकर उद्घाटन करें, उनके उद्घाटन न होने के कारण आचार संहिता लग गई और आचार संहिता लगने के कारण हमारे द्वारा ये सतत प्रयास किया गया कांग्रेस के द्वारा कि रेलवे का काम पूर्ण हो चुका है और 20 दिन हो गए और रेलवे के इस काम में लगभग 9 करोड़ की राशि केंद्र से खर्च हुई है, जिसके लिए हम सांसद राजू खेड़ी, दरबार मुजीब कुरैशी सतत रूप से प्रयासरत रहे हैं। नहीं, जो आंदोलन को लेकर कहना चाहो, जो उन्होंने ब्रिज चालू इसी तारतम्य में आगे बता रहा था कि जो आचार संहिता लगी उद्घाटन नहीं हो पाया उसका दोषी भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रहे हैं और आज इनके द्वारा राजनीतिक नौटंकी करके और श्रेय लेने का कार्य किया गया है। इस ब्रिज में कांग्रेस बीजेपी दोनों की बराबर की भागीदारी है। उद्घाटन करना था तो चुनाव के पूर्व करना था ताकि जनता को राहत मिले। राजनीतिक नौटंकी करने के बाद उद्घाटन करना नकली तरीके से और वापिस सरकार द्वारा शासन इस मामले में सांसद जी से भी आपने बात की, राजू खेड़ी जी से भी बातचीत की आपने? राजू खेड़ी सांसद का चुनाव निकट है और अपने लोकसभा क्षेत्र में व्यस्त है, इस वजह से पूर्व में आ नहीं सके, लेकिन उनका ब्रिज के लिए सतत सहयोग रहा है। इंदौर में 4 ब्रिज अधूरे हैं रेलवे के, अभी PWD की लापरवाही के कारण मऊ का एकमात्र ब्रिज सतत प्रयास हो गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष से भी संपर्क हो गया? जिला कांग्रेस अध्यक्ष साहब से संपर्क हुआ था, दरबार जी से। उन्होंने बताया कि अपने को किसी तरह का कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना है कि जो कानून की परिधि में आए। अपन निर्वाचन आयोग से मांग करेंगे कि ये ब्रिज जनहित में शीघ्र चालू किया जाए। आपने भी 2 रोज पहले आंदोलन किया था, तो क्या ऐसा लगता है कि उसको देखकर बीजेपी ने इस तरह की रणनीति बनाई? हमारे द्वारा जब आंदोलन किया गया था उस समय आचार संहिता नहीं लगी थी। हम चाहते हैं तो उसी दिन ब्रिज का उद्घाटन किसी तरह करते।